हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है ये, स्पेसिफिकेशंस, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है ये ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। तो ये एक वैक्यूम ट्यूब है जो कि यूज़ होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में और सेटेलाइट सिस्टम में एम्प्लीफाइंग पर्पज़ के लिए। क्या एम्प्लीफाई करता है ये? रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को, जो कि माइक्रोवेव रेंज में होता है। तो हम सॉलिड स्टेट डिवाइस यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ करते हैं जैसे BJT MOSFET? क्योंकि उसकी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी और लो पावर पे काम करता है। लेकिन जब हाई पावर और हाई फ्रिक्वेंसी की बात आई तो वहाँ पे एम्प्लीफाई करना है किसी भी सिग्नल को, तो हम यूज़ करेंगे ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की होती है 300 MHz से 100 GHz। पावर लेवल है फ्यू वाट से 10 MW और जिसकी गेन है वो है 40 dB to 70 dB। इट हैज ए हाई गेन और इसके जो नॉइस फिगर है वो लो है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इसके मेनली फोर कंपोनेंट्स होते हैं, फोर बेसिक एलिमेंट्स। एक हो गया यहां पे इलेक्ट्रॉन गन, इसे हीटर बोलते हैं, हीटर भी बोलते हैं। फिर हो गया ये परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट का क्या काम है कि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन से आएगा उसे फोकस रखना और सेंटर में रखना यहाँ पे बिल्कुल। फिर थर्ड है हेलिक्स, ये हो गया कॉइल्ड वायर, ये हेलिक्स है, इसी के थ्रू हम RF इनपुट सिग्नल देंगे। और फोर्थ वन इज कलेक्टर, जहां से RF आउटपुट हमारा मिलेगा। अब देखते हैं वर्किंग ये काम कैसे करता है। तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं हम, यहां पे हम RF इनपुट देंगे और RF इनपुट क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन जब इमिट हुआ, अगर हमने कोई भी RF इनपुट यहां नहीं दिया तो वो इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगा, कलेक्टर तक पहुंच जाएगा बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। अब सेकेंड केस लेते हैं जब हमने RF इनपुट दिया, यहां से RF इनपुट जब हमने यहां पे दिया तो क्या हुआ, इसकी स्पीड तो ज्यादा है और इसकी कम है, तो अंदर क्या होगा, जब पॉजिटिव RF इनपुट आएगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक बंच बनेगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा उस स्पीड में। और सेकेंड केस के थर्ड केस क्या होगा, इसमें जब ये निगेटिव इनपुट देंगे RF इनपुट में तो तब क्या होगा, डिसेलरेशन होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। तो हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बंचेस बनता जाएगा, पॉजिटिव में एक बंच, नेगेटिव में एक बंच। फिर जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा ये बंचेस स्ट्रांग होता जाएगा और उस बंच के कारण स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसके कारण हमें एम्पलीफाई आउटपुट मिलेगा। देखते हैं कैसे काम करता है ये। अब तो जब हम स्विच ऑन करेंगे सर्किट में तो कैथोड क्या करेगा, इमिशन स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। फोकसिंग इलेक्ट्रोड क्या करेगा, फोकस इलेक्ट्रॉन इन नैरो बीम। फिर जब RF सिग्नल हम अप्लाई करेंगे तो हेलिक्स स्ट्रक्चर में, देन एक्सेलरेशन पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में डिसलरेशन होगा, ये RF इनपुट है। फिर द वॉल्यूम ऑफ बंच, द वॉल्यूम ऑफ बंच विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एज इलेक्ट्रॉन्स अपीयर्स टुवर्ड्स द एनोड एंड। जब एनोड एंड की तरफ आएगा तो क्या होगा, वो स्ट्रांग होता जाएगा। फिर एट द आउटपुट ऑफ द हेलिक्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय बंचर कैविटी विच रिजल्ट टू द प्रोड्यूस एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल। यहां पे हम हेलिक्स स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा RF इनपुट सिग्नल और इलेक्ट्रॉन बीम सिग्नल। अगर हम वहाँ स्ट्रेट स्ट्रक्चर यूज करें तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर में क्या होगा, RF इनपुट हमारा पहले आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीम बाद में आएगा, तो कोई एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ। तो फॉर द सिंक्रोनाइज पर्पस हम यूज करते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर। दिस सिस्टम इज नोन एज स्लो वेव स्ट्रक्चर। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। यूज एज माइक्रोवेव रिसीवर्स एज ए लो नॉइस RF एम्पलीफायर। माइक्रोवेव रिसीवर में यूज किया जाता है इसे। यूज इन वाइड बैंड कम्युनिकेशन लिंक। और थर्ड वन इज, इसकी बैंड भी ज्यादा होती है इसलिए वाइड बैंड कम्युनिकेशन लिंक में यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज used in high power pulse radar. Thank you.